हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, आज के मेरे वीडियोस में मैं आप सभी के साथ जॉविस का स्किन केयर रोज रिफ्रेश क्लींजर टोनर का रिव्यू करूंगी। काफ़ी अच्छा टोनर है, तो आज इसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और साथ में बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप नोटिफाइड रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्टेड गाइस। जोविस का ये स्किन टोनर है, रोज़ का काफ़ी अच्छा टोनर है। और अगर बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो ये इस तरीके की पम्प बॉटल्स में आता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। जितना आपको अपने फेस पर स्प्रे करना है ईजिली कीजिए। और गाइस, 170 रुपीस इसका प्राइस है, जो कि अदर टोनर के अकॉर्डिंग इसका प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है। और सबसे अच्छी बात ये रोज़ का है, और रोज़ आप सभी जानते हैं रोज़ का जो टोनर होता है वो हमारी स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। और हम सभी रोज़ का इस हर चीज़ में यूज़ करते हैं। तो गाइस, आप इसे मल्टीपर्पज़ भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बेस्ट है। यह आपकी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन रखेगा। साथ ही आप नहाकर आइए, नहाकर आके अपने फेस पर एक फ्रेश फील के लिए इसे टोन स्प्रे कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि दिन भर आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेगा, हाइड्रेट रहेगा, जो फेस में डलनेस आ जाती है। आपने देखा होगा कई क्रीम वगैरह भी लगाते हैं हम, बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं, उसके बाद भी हमारे फेस में बहुत ज़्यादा डलनेस आ जाती है, फेस में ग्लो नहीं रहता है। तो गाइस, इससे आप ट्राई कीजिए, आपके फेस में एक बहुत ही एक्स्ट्रा ग्लो रहेगा। और साथ ही आप देख सकते हैं रोज़ जैसे इन्ग्रीडियंट से बना है तो आपके फेस को कितना ग्लो देगा, कितना फ्रेश फील कराएगा, और दिन भर एक गुलाब सी महक आपके पूरे फेस पे आती रहेगी, जो कि बहुत ही अमेजिंग, आपको खुद ऐसा फील होगा। और गाइस, अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत नेचुरल हैं, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। लेमन ग्रास, पीच एक्सट्रैक्ट बहुत ही बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये काफ़ी अच्छा है, मुझे भी बहुत पसंद आया। मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए और आप सबको इसी के बारे में बताया जाए। ये जोविस का न्यू, और मुझे जोविस के सभी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। पहले मेरे पास जोविस की क्रीम थी, वो भी बहुत ही अच्छी, जोविस का हेयर ऑयल वगैरह, जोविस के सभी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, साथ ही साथ अफोर्डेबल हैं, इनकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक ये जोविस का स्किन टोनर यूज़ नहीं किया तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। यह आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखेगा, और साथ ही ये ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन, हर स्किन वालों के फेस पर ये सूट हो जाएगा। और अब आपने देखा होगा गाइस, रेनी सीजन स्टार्ट हो गया, मोस्टली मेरे वीडियोस अब मैं रेनी सीजन पर ही बना रही हूँ, क्योंकि समर सीजन का एंड चल रहा है। बट इसे आप रेनी और समर दोनों में यूज़ कर सकते हैं। और टोनर तो हमें हर वेदर में यूज़ करना चाहिए। टोनर हमारे स्किन को सॉफ्ट, हाइड्रेट और पीएच लेवल को मेंटेन रखता है, और स्किन को ग्लोइंग बनाता है, स्किन पे जो डलनेस आ जाती है उसे कंट्रोल करता है, और स्किन को बहुत ही अंदर से सॉफ्ट बनाता है, उन्हें मॉइस्चर देता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छा है। आपके फेस में जो भी डर्ट वगैरह है, आप इसे चाहें तो आप इसे कर लीजिए। करने के बाद आप किसी कॉटन से अपने फेस को साफ कीजिए, आपके फेस पे जो भी डर्ट्स वगैरह है वो इजीली रिमूव हो जाएगी, और आपके जो रोम छिद्र हैं फेस के वो भी खुल जाएंगे, और फेस बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, मॉइस्चर देगा, रिफ्रेश, आपको इतना अच्छा फील होगा। आप कहीं पर भी अगर आप धूप में घर आते हैं तो ऐसे में आपके फेस में बहुत ज़्यादा डलनेस हो जाती है, तो एक कूल लुक देने के लिए और फ्रेश फील करने के लिए इसे आप एक फ्रिज में रख दीजिए, और जब भी आप बाहर से घर आएँ तब इस स्प्रे को अपने फेस पे कीजिए। आपकी जो भी थकान है, जो भी फेस में डलनेस है वो ठीक हो जाएगी, आपकी आंखों पे जो थकान है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और आपका फेस बहुत ही जल्दी फ्रेश और हाइड्रेट रहेगा, और जो डलनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही बेस्ट है। और टोनर तो सभी को यूज़ करना ही चाहिए। टोनर हमारी स्किन को सॉफ्ट, मॉइस्चर बनाता है, जो डलनेस होती है उसे ठीक करता है, पीएच लेवल को मेंटेन करता है, स्किन को सॉफ्ट रखता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए जोविस, और इसका जो प्राइस है वो गाइस 170 रुपीज़ है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। सब कुछ यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, मेथड ऑफ यूज़ कैसे यूज। तो गाइस, स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, सॉफ्ट बनाता है, स्किन को ड्राई नहीं होना देता, उसे पूरी मॉइस्चर देता है। तो इसे आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपने इसे नहीं खरीदा और आप कोई टोनर खरीदने की सोच रहे हैं तो गाइस, एक बार आप जोविस का टोनर जरूर खरीदिए, बहुत ही अच्छा है और आपको बहुत पसंद आएगा।
तो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इस टोनर को एक बार जरूर ट्राई करना, मेरे कहने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। और रेनी सीजन में हमारी स्किन चेंज होती है, जैसे जैसे वेदर चेंज होता है तो हमारी स्किन समर में नॉर्मल रहती है, ऑयली रहती है, पर जैसे वेदर चेंज होता है उसी टाइम हमारी स्किन भी चेंज हो जाती है, तो स्किन को मॉइस्चर की बहुत ज़रूरत रहती है, जिससे स्किन सॉफ्ट रहे तो उसके लिए टोनर बहुत ज़रूरी है। तो आप ही जॉवेस का टोनर जरूर ट्राई करना।